हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हमारी हेडिंग है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही चीज़ कही जाती है। इसका फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n। बेटा जहाँ n एक बड़े नंबर को दर्शाता है। जो सेलुलोज है बेटा, ये एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, अब इस प्राकृतिक बहुलक की यदि बात करें तो सेलुलोज हमको, ये जो सेलुलोज है ये मिलता कहाँ कहाँ पर है? तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो थोड़ा सख्त और मोटी होती है, तो कोशिका भित्ति का एक मुख्य अवयव बच्चों सेलुलोज होता है। इसके अलावा जंतुओं का जो ऊतक होता है, ठीक है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो जो ऊतक होता है ऊतक में भी सेलुलोज पाया जाता है। इसके अलावा सेलुलोज कपास में, इसके अलावा लकड़ी में भी पाया जाता है। ठीक है, अगर हम कपास की बात करें तो कपास एक शुद्ध सेलुलोज होगा। ठीक है, तो अब सेलुलोज बनता कैसे है वो देखिए। तो बेटा ये एक बहुलक है, इसे बनाने के लिए हम लोग बीटा डी ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज की हावर्थ संरचना है। इन सभी को बीटा डी ग्लूको पाइरेनोस कहा जाता है। तो बच्चों अब इन सभी रिंग को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। हम खाली तीन ही नहीं बना सकते, यहाँ पर और रिंग बनाई जा सकती है, और भी रिंग बनाई जा सकती है, क्योंकि एक बहुलक है। तो चलिए हमें करना क्या है, हर एक रिंग में हम C1 यानी पहले नंबर के कार्बन को दूसरी रिंग के C4 कार्बन से कनेक्ट करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं नंबरिंग देता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठे नंबर का कार्बन। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इसे नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट वन 6। टोटल इस प्रकार आपने नंबरिंग कर ली। तो मैंने बोला हर एक बीटा डी ग्लूकोज किसी दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के चौथे नंबर के कार्बन से कनेक्ट होगा। तो अब इसे लेते हैं, इसका पहला नंबर का कार्बन, ये पहले नंबर का जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन में ये जो OH जुड़ा हुआ है ये किसी दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के चौथे नंबर के कार्बन पर जो OH है इसमें से जल का एक अणु निकाल करके ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएगा। तो इसका मैं H+ निकालता हूं, इसका OH निकालता हूं, तो ये O के द्वारा यहां से जुड़ गया। ये देख पा रहे बच्चों, ये यहां से आकर जुड़ गया, तो कनेक्ट हो गया। इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, अब इधर की ओर चलते हैं। ये पहला नंबर दूसरी रिंग के बीटा डी ग्लूकोज की दूसरी रिंग के चौथे नंबर के कार्बन को फिर से कनेक्ट। मैं यहां का H+ निकालता हूं, यहां का OH निकालता हूं, जल बाहर हो गया, यानी ये वाले O को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये जोड़ दिया। अब यहां पर जो देख रहे हैं इसके पीछे भी एक रिंग होगी और वो रिंग का पहले नंबर का जो कार्बन होगा इस चौथे नंबर के कार्बन के H+ को लेके जल के रूप में चला जाएगा और ये वाला वो किसी दूसरे रिंग से जुड़ा होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ये पहले नंबर का कार्बन, इधर भी एक रिंग बनी होगी और वो रिंग जो होगी उसके चौथे नंबर के कार्बन से इसका H+ उसके OH को लेकर के बाहर चला जाएगा, जल बनाएगा। यानी यहाँ पे भी रिंग आगे जुड़ सकती है, यहाँ पर भी रिंग जुड़ती है। इसी को हम सेलुलोज कहते हैं बच्चों। ये स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।